जेडपी टीवी पालडोर। मैं संवाददाता दिव्यराम केंद्रे, कैमरामैन सुदर्शन उके। जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला पालडोर जो जिले की 365 दिन चलने वाली पाठशाला है। इस पाठशाला को मिलने के लिए एक संस्था से समाज सेवक यहाँ पर आए हैं, तो हम उनके अनुभव जान लेते हैं। उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? सुनील मेहर। सर आप क्या करते हो? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सर इस स्कूल को आपने भेज दी, तो इसके पीछे का कुछ विशेष कारण? हाँ, मुझे ऐसा पता लगा कि ये स्कूल है जो पालडो का, यहाँ पे शिक्षा हेतु अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। वो प्रयोग मुझे अच्छे लगे और उसकी वहाँ खुद जाके उसकी जानकारी ले सकते क्या अपन, वो सब ये करके मैं स्कूल में आया और यहाँ पे जो सब वातावरण देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो विद्यार्थी है वो बहुत ही, यानी प्राइमरी स्कूल में भी वो रह के इतना अच्छा उनका सब पढ़ाई का वगैरह जो यहाँ कल्चर दिखा वो सराहनीय है, इसलिए मैं यहाँ आया। और यहाँ के जो मुख्याध्यापक है प्रतीकी सर, उनके बारे में भी मैंने चंद्रपुर में जरा सुना था कि वो बहुत मेहनत करते हैं विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाने के लिए वगैरह, तो वो सब बातें मुझे यहाँ आने के लिए आकर्षित की मुझे यहाँ पे, और वो बातें सब मुझे यहाँ ले आई और मैं इसलिए आया फिर यहाँ पे इस स्कूल का वातावरण देखने। सर आपने यह स्कूल देखी, यहाँ का वातावरण भी देखा, तो आप इस स्कूल को क्या क्या मदद करना चाहते हो? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूल को जैसा मुख्याध्यापक जी के साथ में बात करके यहाँ की क्या आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता ध्यान में रख के फिर जो मदद कर सकते हैं समाज से वगैरह, तो समाज में ऐसे जो लोग रहते हैं कि जो ऐसे कामों के प्रति मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये सब स्कूल के जो अनुभव है मुझे, मैं खुद यहाँ आके देखा, तो मैं वो लोगों को बताऊंगा कि आप इस ढंग से यहाँ मदद कर सकते हैं, तो मैं वो करूँगा, मुझे भी अच्छा लगा ये सब। सर आप इससे पहले भी स्कूल को भेंट देने के लिए आए थे या नहीं? यहाँ तो नहीं आया, पर मैं बहुत जगह जैसा गढ़चिरौली जिला जो है या फिर उधर बुलढाणा जिला वगैरह वहाँ भी मैं ऐसे स्कूलों को भेंट दिया हूँ। सर आप जब इस स्कूल में पहली बार आए हो और यहाँ के बच्चे देखे, क्लास देखे, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे एकदम बहुत ही अच्छा लगा कि इतने सब सुदूर इलाके में भी इस तरह के स्कूल, कुछ लोग जैसे शिक्षक है यहाँ के, वो उतना डिवोशन करके बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये स्कूल की खासियत मैंने देखी कि जैसे सर ने बताया कि बहुत 365 दिन ये स्कूल चलती है, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। और जब बच्चों के साथ बात की तो उन्होंने भी बोले कि हाँ, हम 365 दिन स्कूल में आते हैं, और छुट्टी के दिन जैसे बाकी शिक्षक नहीं रहते तो स्कूल के बच्चे बाकी जो कक्षाएँ रहती उनको पढ़ाते, तो मुझे एकदम बहुत ही अच्छा लगा, सराहनीय सब कार्य यहाँ चल रहा है। सर आपने इससे पहले कई स्कूलों को भेंट दी होगी, मगर जब आप पहली बार इस स्कूल में आए तो आपको उन स्कूलों में और इस स्कूल में क्या क्या बदलाव दिखाई देते? हाँ, मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ और वहाँ का वातावरण भी देखा हूँ, तो वहाँ के स्कूल में और यहाँ के स्कूल में मुझे बहुत यानी फर्क दिखा कि यहाँ पे जो शिक्षक है वो पूरे जो बोलते कि वहाँ डिवोशन जो है करना चाहिए विद्यार्थियों के प्रति, तो वहाँ वो डिवोशन मुझे शिक्षकों में भी देखा गया, मैंने देखा है यहाँ पे। और जो विद्यार्थी है उनमें भी काफ़ी रुचि दिखी पढ़ाई के इसमें, और जैसे मुख्याध्यापक जी ने बात की कि वहाँ वो सवेरे भी सब यहाँ के जो विद्यार्थी है उनको वो खुद यानी जागरण करते हैं उनका, और खुद उनको लेके जाते हैं, उनको व्यायाम वगैरह सिखाते हैं, बाकी सब जो बातें खेल वगैरह में क्या कर सकते हैं वहाँ, तो ऐसी बातें भी वो स्कूल के व्यतिरिक्त वो
ये सब एक्टिविटी करते हैं। तो बाकी स्कूलों में ऐसा मैंने देखा नहीं। मैंने बहुत सारे स्कूलों के जो शिक्षक रहते वो एक तो वहाँ रहते नहीं, यहाँ के जो मुख्याध्यापक जी है वो यहाँ खुद रहते और सब विद्यार्थियों के साथ में उनका उठना बैठना वगैरह है, तो ये एक अलग सी बात मैंने यहाँ देखी। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात कर। तो मैं संवाददाता दिव्या राहुल केंद्रे, कैमरामैन सुदर्शन होगे, जेडपी टीवी पालडो।